100 में से सिर्फ एक मार्क मिला मेरे को। कितना अच्छा एग्जाम दिया था मैंने, सब लोग का माफिक, हर सवाल का जवाब दिया था, सिर्फ एक मार्क कैसा मैन। छात्रों, आपका समय शुरू होता है अब। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। रोनी, लीजा को बोल, ये केक नहीं है, अमृत है, अमृत। एक्सीलेंट मतलब तबला तोड़ तोड़ फोड़, एकदम धांसू। एक्सीलेंट मतलब धांसू तोड़ फोड़, धांसू तोड़ फोड़। इंग्लिश शब्द का हिंदी शब्द एक्सीलेंट। हैंडसम का हिंदी शब्द शरद चाचा। हेल्थ का हिंदी तंदूरी जैसा कुछ है। लीजा ने बोला था कि तंदूरी खाने से हेल्थ बनता है, तंदूरी खाने से हेल्थ एकदम अच्छा रहता है, तो हेल्थ तंदूरी। मधुर का हिंदी भंडारकर। अमीर ईंधन। अमीर वो होता है जिसके पास ईंधन होता है, संपत्ति होता है। अमीर एक लाइन में ही तो है। अमीर ईंधन। मनुष्य कोयला, कोयला मनुष्य। हेमंत को 13 और मुझे सिर्फ एक। आपको पता चला इसके ऊपर चींटियां चढ़ी हुई थी? मैंने पापा को कहा था कि नहीं पता चलेगा, क्योंकि ओजांगल तो कुछ भी खा जाते हैं। क्या ये बता, ये मिठाई किस खुशी में? मैं क्लास की पहली परीक्षा में पहला आया, मुझे 100 में से पूरे 13 मार्क्स मिले। अरे वाह, 13 छोड़। नहीं 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 छोड़ सकता, 13 ही मिले। अरे झालर, मतलब हरा छोड़। ये बता, रोनी को कितने मार्क्स मिले? हाँ हाँ, तू ही बता कितने मिले। एक, 100 में से एक। ला जाओ। लागे रोनी अभी तक क्लासेस से नहीं निकला है। ऐसे झांककर किसकी राह देख रहे हो पापा? मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था। ऐसे झांकने की एक्सरसाइज? हाँ, वो मारी गर्दन का वजन थोड़ा बढ़ गया है ना, और मैं ठहरा सुपर मॉडल। तो सच सच बताइए पापा, कहाँ झांक रहे थे? वो तो मैं देख रहा था कि बारिश आज आएगी कि नहीं आएगी। बारिश का गेट से चल के आएगी या बाइक पे बैठ के आएगी? पापा स्वीकार कीजिए ना कि आप रोनी भैया का इंतजार कर रहे थे, और आप ये जानना चाहते हैं ना कि उनकी तैयारियां कहां तक पहुंची, है ना? अरे मारे को क्या फर्क पड़ता है, वो 100 में से 100 मार्क लाए,
पर मारे को पता है वो झालर हिंदी में सबसे लास्ट आएगा, देख लेना तुम, ये एक सुपर मॉडल का ब्रह्म वाक्य है। पापा मानव है ना, मानव तुम्हारे पापा नेचर के हिसाब से थोड़े से कंजूस है, स्ट्रेट बोलो ना। हाँ थोड़े कंजूस है वो तो पार्टी देंगे नहीं, इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि हम हमारी ओर से उन्हें एक सरप्राइज पार्टी देंगे। हाँ। नहीं नहीं है ना, तुम लोग पार्टी मत देना क्योंकि मेरे पापा कॉलोनी वालों को सरप्राइज पार्टी दे रहे हैं। आई डोंट बिलीव दिस, वो भी पैसे खर्च करके। हाँ और प्लीज पापा पार्टी दे रहे हैं ये सिर्फ आप लोगों को पता है, पापा को नहीं पता चलना चाहिए। ओके ये फोन ही नहीं उठाता है मैन, आई एम श्योर सास बहू का किट पिट चलता होएगा। चकुड़ी ये मूंग के एक दाने का क्या करूं मैं, मुझे क्या पता, आप ही तो बोली थी बाकी चकुड़ी कोई भी एक दाल भिगो के रखना, तो तूने मूंग का एक दाना भिगोया। हम्म, तुझे क्या लगता है ये मूंग का एक दाना वो कृष्ण भगवान ने सुदामा को चावल दिए थे वैसे वाला है जिससे सबका पेट भरेगा? रॉन्ग नंबर, रख दे फोन, एक नंबर नहीं लोई पीनी चाहिए, लोई पीनी से एक दिन मेरे शरीर का सारा खून खत्म हो जाएगा तेरी बला से। बराबर, चुप रह तू। हाँ लीजा बोल। आंटी भावना, अंकल ओझा पार्टी दे रहा है। अरे वाह क्या बात है, वो कंजूस ककड़ी पार्टी दे रहा है? यस, मानव ने बोला हाय, लेकिन लेकिन हाँ अंकल ओझा ना सरप्राइज पार्टी देने का प्लान किया है, इसके वास्ते वो सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देने को मांगता है, समझा ना? हाँ समझ गई समझ गई। ओके तो अभी ये सेम बात भैरवी को समझाओ। लीजा वो थोड़ा अग्रह है लेकिन कोशिश करती हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय। देख चकुड़ी वो राजस्थान एक्सप्रेस है ना, मुरली भाई और लाजो काकी की शादी की 25वीं सालगिरह की, वो मुरली भाई हमें पार्टी देने वाले हैं, लेकिन हमें उनको ये दिखाना है कि हमें इस पार्टी के बारे में पहले से नहीं पता है। ककुड़ी हमें पहले से इस पार्टी के बारे में नहीं पता है, समझ गई? समझ गई बा। शरद पियो नींबू पानी। अच्छा सुनिए भैया, ओझा अंकल को हमें ये पता नहीं चलने देना चाहिए कि वो जो सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं उसके बारे में हम जानते हैं। भाई और हेमंत को भी नहीं पता चलना चाहिए ओझा अंकल की ये पार्टी सरप्राइज ही रहने देना, वरना सबको ही करके बता दे। अच्छा शरद, हाँ रोज शरबत पिएगा? हाँ है? हेलो श्याम सुंदर खम्मा गणी, अरे वो थारा एक भाई था ना, अरे वो आधा पागल, अरे वही जिसके मुकाबले मच्छर का दिमाग ज्यादा तेज है। हाँ वही, उसके 10वीं में हिंदी में कितने मार्क्स आए थे? 15, 100 में से। अरे वाह,
वैसे हमारी कॉलोनी में भी एक झालर है जिसके 100 में से एक मार्क आया है, एक। अरे वो जो कोई भी है वो मारे जैसे अंतरराष्ट्रीय सुपर मॉडल को हिंदी में स्पीच देने की चुनौती देकर गया। अरे नाम में के रखा है, र से नाम शुरू होता है उसका, ओ की मात्रा लगा देना। हेलो, आप बाद में फोन कीजिए, मैं अभी श्याम सुंदर से बात कर रहा हूँ। श्याम सुंदर? अरे मैं बाद में बात करता हूँ, फोन रख। देखो नी, मैंने थारा नाम नहीं लिया है और मैं थारे बारे में बात नहीं कर रहा था। हाथापाई मत करना, हाथ मारा भी उठ सकता है। तुमको मारने को नहीं आया था मैं आपको ये बताने आया था कि आप सही है, मैं गलत। आप जीत गया, मैं हार गया। मैं तुम्हारा पार्टी पे स्पीच देने को नहीं सकेंगा क्योंकि मेरे को स्पीच आएगा ही नहीं हिंदी में। आपने सही किया, उस चार्ट में हमारा फोटो नहीं लगाया। उस चार्ट में हमारा फोटो लगाने के लायक ही नहीं है। मैं वैसे भी क्लासेस छोड़ रहा है, मेरे को माफ कर दे अंकल हो जाओ। आई एम सॉरी। भावना भाभी। हेलो, रामनगर मेंटल हॉस्पिटल। भाई मैं मुंबई से बोल रही हूँ, अर्जेंटली एक पागल को भर्ती करना है। चुप, एकदम चुप। तेरी आवाज सुनेंगे ना तो फिर से तुझे भर्ती करने के लिए मना कर देंगे वो लोग। हाँ भाई, वो पागल का नाम रवि भाई भट्ट। भाई झूठ मत बोलिए, मेरा नाम भैरवी भट्ट है। हेलो भाई, ये झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, वो ऐसा भाई काट दिया फोन तेरा नाम सुन के। मेरी कुतुब मीनार, देख तू रो मत, ये तो खिलौने वाला फोन है इला मासी का। जो हाँ भद्रेश, ये फोन खिलौने वाला है लेकिन जो वेदना है ना मेरी वो असली है बाबा। अरे भावना भाभी मारी बात सुनो। अच्छा एक मिनट, आप अपनी राजस्थान एक्सप्रेस को जरा ब्रेक मारिए। हाँ पर ओ काका मुरली, अभी इनकी बहस का फटक खुला है, आपकी ट्रेन नहीं चल सकती, जरा शांति रखो ना भाई। बा ये क्या है चकुड़ी? डाला। बाबा ध्यान से सुनना, ये अपने लेटेस्ट कारनामे में अपनी खुद की सफाई के लिए क्या बकवास करती है, जरा गौर से सुनना। अब भी सुनना। हाँ हाँ पर पहले हमारी बात तो सुन। चुप रहो आप। चकुड़ी ये ताला किस खुशी में लेके आई है बेटा? क्यों बा? आप ही तो बोली थी कि देखना चकुड़ी, बेटा हमारे घर का ताला टूट गया है, नया ले आओ। तो देखा क्या मुरली है? मेरी कुतुब मीनार मार्केट से नया ताला लाई ना बा। तो आईडी खेलो छे आगे की तो सुन चकुड़ी, ए ताले की चाबी कहाँ है? वो तो मैंने दुकानदार को वापस कर दी बा। कुतुब मीनार क्यों? सिर्फ ताला खराब हुआ है, चाबी एकदम बराबर है मितिश के पापा। धा। कुड़ी, लेकिन जो ये चाबी है ना वो इस ताले पे काम नहीं करती है बेटा। बा, इसलिए ये पुरानी चाबी के लिए जो ताला काम करेगा वही ढूंढने जा रही हूँ। जा रही हूँ बाबा। अरे पण बेन, तो फिर ये नया ताला क्यों लेकर आई? क्योंकि आप ही ने कहा था कि चकुड़ी नया ताला लेके आ बेटा।
फिर नए ताले के साथ उसकी चाबी क्यों नहीं लेके आई? क्योंकि आपने सिर्फ नया ताला लाने के लिए कहा था पा। सीधी सादी सी बात भी नहीं समझते हैं आप। मुरली भाई, इसको रिपेयर करे ऐसा कोई मैकेनिक ढूंढ के लाओ भाई। हाँ, पर मैं तो दिन ब दिन पागल होती जा रही हूँ। तो अपने आप को भर्ती कीजिए ना पागल खाने में। मुझे क्यों दूर कर रही है मेरे संसार से? बोलो आप लोग, किसको संसार से दूर कर रही हूँ मैं? और ये जो ऐसे कारना में करती रहती है दिन ब दिन, अरे तो मैं बाप रे बाप, ये इलेक्ट्रिक राजस्थान एक्सप्रेस तो धुआं छोड़ रही है। मुरली भाई, क्या हुआ? अरे भावना भाभी, रॉनी ने तो अपने हथियार डाल दिए हैं। कहाँ पे? रॉन्ग नंबर, फोन रख दे। क्या हुआ मुरली भाई, मतलब हुआ क्या? अरे रॉनी ने तो अभी से हार मान ली है भावना भाभी, कोई उसे जाकर समझाओ, मेहनत करे, हिंदी सीखे और मारे को स्पीच दे। एक मिनट भाई, काका मुरली, आप क्या कहना क्या चाहते कि वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके आपकी बोलती बंद कर दे? हाँ, मारे जैसे भद्र, मशहूर, प्रख्यात और माननीय पड़ोसी को वो मात देगा तो उसी का मान बढ़ेगा। मैं तो ये सोच के बोला भद्रेश। एम, अच्छा सुना बात सुना। मुरली भाई, आप रोनी को सॉरी बोल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, सॉरी तो मैं हरगिज नहीं बोलूंगा। मैं ठहरा स्वाभिमानी सतपुरुष। पर उसे तो हमारी शादी की सालगिरह पे स्पीच देनी चाहिए ना भावना भाभी। लो, ये तो हैरी के भाई बन गए। हाँ, शादी की सालगिरह पे स्पीच तो देनी चाहिए। जिसकी आप पार्टी दे रहे हैं उसे सुन के हम सरप्राइज हो गए काका मुरली। क्या बोल रही है गुजराती बहुरानी? थारे को पता है कि? हाँ, लेकिन उसे सुन के हमें सरप्राइज्ड हो जाना है। बा, मितेश प्रीतेश के पापा। क्या? आप पार्टी दे रहे हैं? हाँ? बोली बोली? हाँ? हेलो, रामनगर मेंटल हॉस्पिटल। बाप रे, मुकने फोन। अबे क्या बा? अबे देखना इसने। क्या देखना इसने बा? अभी ने तो बोला था कि काका मुरली के सामने चौक जा रहे हैं। लेकिन चकुड़ी, पार्टी के दिन, पार्टी से पहले अभी सरप्राइज होने के लिए नहीं कहा था मैंने। ये बात भी है, आप बता रही है मितेश प्रीतेश के पापा। बा, फोन लगाइए, लगाइए आप रामनगर मेंटल हॉस्पिटल। बस पेशेंट का नाम बदल दीजिए। मारी सरप्राइज की तो हो गई ऐसी की तैसी। पर भावना भाभी, रॉनी की प्रतिज्ञा की ऐसी की तैसी नहीं होनी चाहिए। भद्रेश, ये उसकी आन का सवाल है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.